सर हमारे पास यहाँ पे ना आयुष सेंटर जो जीएमसी में, यहाँ पैरा सर्जिकल प्रोसीजर्स है और साथ में माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स भी, जैसे कि फिस्टुला के लिए, हमारे पास चार सूत्र है जो बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो कि फिस्टुला में की जाती है, और इससे सबसे अच्छी बात है कि आप हाई एनल फिस्टुला में भी इसको कर सकते हो और रिकरेंस इसका रेट बहुत कम है, बहुत कम रेट है। दूसरा हमारे यहाँ पे लीच थेरेपी भी है, जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स हो, एक्ने की प्रॉब्लम हो, किसी वेरिकोसिटीज की प्रॉब्लम हो, इवन तो अल्सर्स हो, वेरिकोस अल्सर्स वगैरह, उनमें लीच थेरेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे शार एप्लीकेशन भी है, जैसे इंटरनल हेमोराइड जिस पेशेंट को फाइल्स हो, इंटरनल फाइल्स हो, तो उसमें शार की एप्लीकेशन की जाए तो उसे कुछ मतलब सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, इवन तो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में अगर एप्लीकेशन और शार की जाए तो उसी में वो नेक्रोज हो जाता है टिश्यू, तो उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी हमारे पास एक अग्निक्रम है, कॉर्टी इलेक्ट्रिक कॉर्टी थेरेपी है, आयुर्वेद की है वो, उसमें जैसे पेशेंट को पेन हो, फ्रोजन शोल्डर हो, लंबैगो हो, डिस्लेजन में पेशेंट को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेन हो, तो पर्टिकुलर टेंडर पॉइंट है उसे हम अग्निगर्म करते हैं तो उसे पेशेंट को पेन में बड़ा अच्छा इमीडिएट रिलीफ मिलता है। तो ये सब ट्रीटमेंट है जो यहाँ पर अवेलेबल है। ऑन द अदर साइड हमारे पंचकर्मा की ट्रीटमेंट भी है, जैसे कि कटी बस्ती है, मात्रा बस्ती है, स्नेहन है, स्वेदन है, शिरोधारा है, ये प्रोसीजर्स ऐसे जो देख या प्रोसीजर का पेशेंट आए तो प्रोसीजर कराए और चला जाए, पेशेंट को इंसोम्निया हो, नींद नहीं आ रही, उसके लिए बड़े अच्छे प्रोसीजर्स हैं, तो स्किन के लिए सोरियासिस के लिए बड़े अच्छे प्रोसीजर्स हैं। तो सर सारी फैसिलिटीज यहाँ पर, दो डिपार्टमेंट, दो यूनिट बनाए गए हैं, तो सर्जरी का है जिसमें शार सूत्र है और एक पंचकर्मा का है जिसमें जनरल थेरेपेटिक प्रोसीजर्स दिए जाते हैं, प्यूरिफिकेटरी प्रोसीजर्स दिए जाते हैं। सर डॉक्टर सुदेश जी, मैं सिर्फ ये कहने को, जम्मू में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है, वहां भी कई सारी चीजों का इलाज चलता होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, क्या अलग बनाता है आपका ये खास तौर पर ये वार्ड और ये सेंटर? सर यहाँ पर ऐसा है कि हम लोग इवन दो अब बड़े कोई बड़ा प्रोसीजर भी हो तो अगर हमें इनके तौर पर इमरजेंसी हो जाती है तो हमने जो बाकी हमारे कलीग्स हैं मेडिकल साइंस के उनकी भी हेल्प है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ पर पूरी फैसिलिटी जो कि मॉडर्न हॉस्पिटल में है ऑलरेडी, वो हमारा ओटी जो है वो यहाँ पर डेवलप किया गया, तो वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पर है। रही बात शालामार हॉस्पिटल की, शालामार हॉस्पिटल में सारे ब्रांचेस का, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लूसिव दो प्रोजेक्ट को, दो ट्रीटमेंट को ही फोकस किया गया है, एक तो शार सूत्र और दूसरा पंचकर्मा। डॉक्टर सुदेश, मैं सिर्फ एक और सवाल पूछूंगा कि इस चीज को लेकर लगातार अवेयरनेस आम जनता तक जागरूक किस तरीके से किया जा रहा है, होर्डिंग्स वगैरह होना या किसी ओकेजन पर आप कह सकते हो कि सेमिनार लगा देना, वैसे तो जागरूक हो रहा है लेकिन साल भर में बच्चे बच्चे को पता हो कि हमें फायदा कितना है और क्या फैसिलिटीज है, उसको लेकर किस तरीके से भी जागरूक किया जा रहा है? सर हमारे हम लोग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो स्पेशली हमने अभी कुछ पीछे 26 जनवरी को इस सेंटर की इनॉग्रेशन किया था, तब भी हमने कुछ प्रोसीजर्स को दिखाया था हमारे, इवन दो जो आयुष का यूनिट है उसके बाहर एक बड़ी सी एक मतलब वर्किंग तरह की वो होर्डिंग सी चल रही है, एग्जैक्टली मुझे टर्म नहीं याद आ रही, तो उसमें क्या कि हम लोग प्रोसीजर सारे छोटे मॉन्स्टर प्रोसीजर अंदर करते हैं, वो सारे वहां पर दिखाए जाते हैं। जो पेशेंट भी वहां से आ रहा है जा रहा है, जो जिसकी फुटफॉल ओपीडी वाली साइड है, एसओसी से रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाता है, तो जब भी वहां से पेशेंट जाता है तो सबको प्रोसीजर दिखते हैं, और हमारे हमारे लिए सबसे अच्छी बात है क्योंकि 3 मंथ जनवरी फरवरी और मार्च के मंथ में हमने मोर देन 1000 पेशेंट देखे हैं सर वहां पर। कोई ऐसा केस डॉक्टर साहब आप डिस्कस करना चाहते हो जिन्होंने मेडिसिन छोड़कर आयुर्वेदिक का रास्ता अपनाया और जल्दी उनको क्योर हुआ हो और जल्दी ठीक हुए हो? सर ऐसे बड़े सारे केसेस हैं, इवन तो मेडिकल कॉलेज का ही स्टाफ के बड़े सारे केसेस हैं जिनको फिस्टुला हुआ था जी, एक दो केस है जो रेडियोलॉजी में स्पेशल में एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं नाम करूंगा सर जी, उसको बाइलोडर साइनस था, उसको ऑपरेट भी हुआ, ऑपरेटेशन उसके बाद दोबारा उसको हो गया, तो उसको शार्क ऊपर से हमने ट्रीटमेंट किया हुआ है। एक और पेशेंट था उसको फिस्टुला हुआ था, मिस्त्री का काम करता है सर वो जी, तो उसे भी फिस्टुला हुआ था, उसका भी 2 बार ऑपरेट हुआ था, फिर उसको शार्क शुरू, वो दोनों केस ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड थे, अभी रिसेंटली वो कम्प्लीट हुए हैं जी। ऐसे सर बड़े सारे केसेस हैं जो ऑलरेडी मतलब रिकरेंस, स्पेशली मैं फिस्टुला की बात करूँ बिकॉज मेरी स्पेशलाइजेशन होती है, तो मेजोरिटी जो केसेस जिनमें रिकरेंस होती है, 2-3 बार ऑपरेशन शार्क ऊपर से किया जाए तो पेशेंट अपना डेली रूटीन काम भी आराम से करता है और साथ में ट्रीटमेंट भी करता है, पेशेंट को बेड रेस्ट की ऐसा जरूरत नहीं होती इस ट्रीटमेंट, जैसे फिस्टुला में हमने फिस्टुलेक्टमी कर दी या विस्ट्रॉक्टमी कर दी पेशेंट को 2-3 महीने बेड पे रहना पड़ता है, तो इसमें ऐसा नहीं है, पेशेंट को प्रोसीजर भी करते आते हैं रूटीन में और पेशेंट में रूटीन जो डेली लाइफ का काम हो भी करता रहता है। थैंक यू सो मच सर डॉक्टर सुदेश, थैंक यू।